वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को झूठा तरीन शख्स करार दे दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन को इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान ने झूठ बोलकर मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाया। ऑडियो लीक्स इसकी नाकाबले तरदीद मिसाल है। साजिश का बयानिया घड़ कर पाक अमरीका ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की गई। इमरान खान दुनिया के सबसे बड़े झूठे और धोखेबाज हैं। इक्तदार से हटाए जाने के बाद वो मुआशरे में मुसलसल जहर घोल रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार द गार्डियन को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि इन सब से मेरे मुल्क की साख को बहुत नुकसान पहुंचा है और ये मैं खुशी से नहीं बल्कि शर्मिंदगी और तशवीश से कह रहा हूँ। इमरान खान के झूठ के लिए ऑडियो लीक्स नाकाबले तरदीद सबूत है। इमरान खान हकायक को तोड़ मरोड़ के नफरत पैदा कर रहे हैं। उन्होंने बगैर किसी वजह के अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को तारीख का सबसे ना तजर्बेकार खुद गर्ज अनापरस नादान सियासतदान करार दे दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क को जाती एजेंडे के मुताबिक चला रहे हैं। सीपैक से मुतालिक बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सीपैक एक ऐसा मंसूबा है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए अच्छा है। वो नवंबर में चीन भी जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौरूसी सियासत के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए गार्डियन को बताया कि नवाज शरीफ उनके बड़े भाई और कायद हैं और वो हमेशा उनसे मशवरा करते हैं।